आज हम जो है स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग कैसे होती है और इसका रिप्रोडक्शन वापस कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्टीरियोफोनिक साउंड होती क्या है। तो स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग इज़ ए टेक्निक इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ टू माइक्रोफोन टू साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड वन इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो माइक्रोफोन का उपयोग होता है किसी एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हर एक माइक्रोफोन से इस पर द मोनो सिग्नल फ्रॉम ईच माइक्रोफोन आर असाइन टू द लेफ्ट एंड राइट चैनल्स ऑफ ए स्टीरियो ट्रैक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ विड्थ इन द रिकॉर्डिंग। बेसिकली स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग के अंदर दो चैनल होते हैं, लेफ्ट और राइट का। तो उससे क्या होता है, रिकॉर्डिंग में डेप्थ आ जाती है, विड्थ डेप्थ आ जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर आपको अलग अलग जगह से साउंड आ रही है और फिर ये दोनों एक संग प्ले होती है, तो उसके अंदर एक इको इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें स्टीरियोसोनिक साउंड रिकॉर्डिंग हो जाती है। मॉडर्न स्टीरियोफोनिक टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंट की गई थी 1930 में बाय ब्रिटिश इंजीनियर एलन ब्लूमिलियन एट EMI, और वो पेटेंट स्टीरियो रिकॉर्ड, स्टीरियो फिल्म्स एंड आल्सो सराउंड सिस्टम। इन्होंने जो है पेटेंट लिया स्टीरियो रिकॉर्ड का, स्टीरियो फिल्म्स का और सराउंड साउंड का 1930 में ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा। तो ये स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग की हिस्ट्री थी। और क्या होती है स्टीरियोफोनिक अपने देखा। अब आगे की स्लाइड में एक फिगर है इसके अंदर, उसमें हम देखेंगे कि स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डिंग ऑन द टू सेपरेट चैनल्स। इसमें एक चैनल जो होता है वो लेफ्ट साउंड के लिए होता है और जो दूसरा चैनल होता है वो राइट साउंड इनपुट के लिए होता है। विद स्टीरियो रिकॉर्डिंग ऑन द टू चैनल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दस द चैनल कैन रिकॉर्ड कंप्लीटली डिफरेंट सिग्नल एट ए गिवन टाइम। और दिस मेक स्टीरियो रिकॉर्डिंग डायनेमिक सिंस इट प्रोड्यूस डिफरेंट डिस्टिंक्ट साउंड ऑन द लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल। एक ही आवाज़ को दो तरीके से अलग अलग स्पेस से रिकॉर्ड करके तो ये टोटली डिफरेंट चैनल चलते हैं, तो इससे स्टीरियोफोनिक इफेक्ट इस पर आ जाता है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोनो रिकॉर्डिंग विच इज रिकॉर्डेड ऑन टू द वन सिंगल चैनल। मोनो रिकॉर्डिंग के अंदर केवल एक सिंगल चैनल चलता है और ऐसे अगर दो चैनल पर रिकॉर्ड किया जाए तो वो फिर स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो मोनोफोनिक रिकॉर्डिंग के अंदर एक सिंगल चैनल होता है, स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग के अंदर दो चैनल होते हैं। अब आप ये एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि माइक वन एंड माइक टू। माइक वन जो है अपन मान लें कि लेफ्ट चैनल के लिए, राइट चैनल के लिए है, तो माइक टू लेफ्ट चैनल के लिए। तो स्टार्टिंग में इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर लगा हुआ है, जो माइक से सिग्नल आ रहा है वो थोड़ा वीक होता है, तो उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसमें एक वोल्टेज एम्पलीफायर लगा देते हैं। फिर इसके अंदर आपने एक इक्वलाइजर लगाया है, दोनों के बैलेंसिंग के लिए लगा रखा है, और फिर पावर एम्पलीफायर लगाया है। तो दोनों के जो चैनल हैं, दोनों चैनल
उसमें सेम कंपोनेंट है, बस इनके जो माइक हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। तो इन माइकों के जब स्पेस में अलग अलग पोजीशन है तो साउंड जो एक किसी सोर्स से अगर इनमें साउंड आएगी तो वो नेचुरल है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी दोनों माइकों पर जाने के लिए। अगर हम सोर्स ऑफ साउंड इसके अंदर एक दोनों बीच में ना रख के एक थोड़े से एंगल पर रख दें तो दोनों एक अलग अलग डिस्टेंस का कवर करेगी, तो साउंड के अंदर डिले आ जाएगा, एक टाइम डिले आ जाएगा। एक माइक पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसी टाइम पे ना रिकॉर्ड हो गए, कुछ समय बाद उसमें रिकॉर्ड होगी। तो ये बेसिकली एक इको इफेक्ट पैदा कर देगी, जिसको कि हम एक स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग कहते हैं। और ये अलग अलग चैनल पे अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल पे जो साउंड जा रही है वो फिर इसको दो ट्रैकों के ऊपर रिकॉर्ड कर देगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जा रहे हैं यहाँ पे एक टर्न टेबल पर जिस पर रिकॉर्ड रखा हुआ है, और दूसरा इसमें फीडबैक कटर है। तो इसके अंदर अगर आपको मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग हेड आ जाएगा इसकी जगह, रिकॉर्ड की जगह रिकॉर्डिंग, और इसमें टेप आ जाएगी, मैग्नेटिक टेप आ जाएगी। और मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड किससे होता है? हेड से होता है। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड के ऊपर टेप कर रहे हैं क्योंकि एक टर्न टेबल के ऊपर है और टर्न टेबल की ड्राइव है जो कि इस टर्न टेबल को घुमाती है, और फिर इसमें एक फीडबैक कटर के द्वारा दो चैनल बन जाते हैं अलग 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 साउंड ट्रैक के लिए, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल। तो दो चैनल की रिकॉर्डिंग एट ए टाइम हो रही है, जबकि मोनोफोनिक साउंड के अंदर एक सिंगल चैनल की रिकॉर्डिंग होती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डबल चैनल की रिकॉर्डिंग एट ए टाइम हो रही है। जब हम इसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये डबल चैनल एक संग रिप्रोड्यूस होंगे, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है इसमें। तो ये एक स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग का एक ब्लॉक डायग्राम है। दो इसमें माइक है, सेम सोर्स की जो एक सिंगल सोर्स है उससे आवाज़ आ रही है माइक के अंदर, दोनों माइकों में विद सम टाइम डिले, नेचुरल है क्योंकि जो दोनों जो है माइक सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो थोड़ा टाइम डिले आ जाएगा। और दोनों चैनल अलग अलग चल रहे हैं, दोनों चैनलों के अंदर कंपोनेंट सेम है। अगर एक चैनल हम यूज़ करते तो ये मोनोफोनिक रिकॉर्डिंग हो जाती सिंगल चैनल की, लेकिन यहाँ हम दो चैनल यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग है। और ये वोल्टेज एम्पलीफायर, इक्वलाइजर और पावर एम्पलीफायर से होते हैं सिग्नल। आपके जो टर्न टेबल पर रिकॉर्ड रखी है उस पर फीडबैक कटर के द्वारा एक रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये टर्न टेबल को जो मूव करा रही है या रोटेट करा रही है वो टर्न टेबल ड्राइव है। तो इस तरीके से आपने देखा स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग कैसे होती है। अब कुछ इसके एडवांटेजेस, स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग के क्या एडवांटेजेस? सो द एडवांटेज ऑफ स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग इज दैट साउंड आर पिक्ड अप एज दे अकर डायरेक्शनली इन एन एनवायरमेंट। इफ समवन पिक्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे माइक्रोफोन, द लेफ्ट माइक्रोफोन पिक अप द मोस्ट ऑफ द साउंड, एंड इफ समवन पिक्स फ्रॉम द राइट साइड द राइट माइक्रोफोन रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ द साउंड। मतलब एक सोर्स है उसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे,
एक साउंड का एनवायरनमेंट है, तो दोनों उसकी राइट साइड पे जो साउंड आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है एक ट्रैक पे, और लेफ्ट साउंड साइड पे जो साउंड आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इससे क्या होता है, साउंड की विड्थ बढ़ जाती है। और व्हेन द साउंड इज प्लेड बैक ऑन अ स्टीरियो यूनिट द डिफरेंस इन द लेफ्ट एंड राइट साउंड कैन बी नोटिसिबली हर्ड एंड इट क्रिएट सराउंड साउंड। और जब ये वापस रिप्रोड्यूस की जाती है तो ये जो डिफरेंस है ये हम महसूस कर सकते हैं, और ये डिफरेंस ही बेसिकली आपके स्टीरियो साउंड है, और ये कॉन्ट्रास्ट है मोनो रिकॉर्डिंग का, जिसके के अंदर केवल एक हेड एक एक चैनल होता है, ओनली रिकॉर्ड्स ऑन वन चैनल एंड देयरफॉर डज नॉट अपीयर सेपरेट और डिस्टिंग्विश लेफ्ट और राइट साउंड। तो मोनो चैनल के अंदर हम लेफ्ट एंड राइट साउंड के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि इसके अंदर आपको साउंड में विड्थ पता पड़ जाएगी कि लेफ्ट की है या राइट की है। तो इस तरीके से ये इसका एडवांटेजेस है, इसमें साउंड की विड्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि मोनो के अंदर एक मोनोटोनस साउंड होती है, जिसमें कि आपकी साउंड की डेप्थ आपको नहीं मिलती है। अब आपने साउंड रिकॉर्डिंग कर ली, अब बेसिकली इसको रिप्रोड्यूस कैसा किया जाए। स्टीरियोफोनिक साउंड की रिकॉर्डिंग आपने कर ली, रिकॉर्डिंग आपने या तो एक रिकॉर्ड पे कर ली जो कि टर्न टेबल के ऊपर रखी हुई है, या फिर आप इस पे अपने कैसेट प्लेयर पे कर सकते हैं, सीडी प्लेयर पे कर सकते हैं, सीडी पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए तो स्टीरियोफोनिक हेड होता है इसका, जो जिससे कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और सीडी के लिए आपके लेज़र हेड होता है। तो दोनों ट्रैकों की रिकॉर्डिंग उसके अंदर अलग-अलग होती है। तो कोई भी रिकॉर्डिंग मीडिया हो, या तो रिकॉर्ड होगा जो कि टर्न टेबल पर चल रही है, या मैग्नेटिक टेप होगी, या सीडी या डीवीडी होगी, दोनों का कंसेप्ट यह है कि दोनों के ऊपर ट्रैक अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। साउंड जो लेफ्ट लेफ्ट ट्रैक है और राइट ट्रैक है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, उनके आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, और इनके रिकॉर्डिंग जो डिवाइस है वो सबकी अलग अलग होती है। अब इसको अगर आपको रिप्रोड्यूस करना हो, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको नेचुरल है, इसके अंदर आपको वापस से अलग अलग जो रिकॉर्ड किया है आपने स्टीरियोफोनिक, उसमें अलग अलग ट्रैक के ऊपर साउंड जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये आगे की स्लाइड में हम देख रहे हैं, एक स्टीरियोफोनिक जो रिकॉर्डेड साउंड है उसको आप कैसे इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टीरियोफोनिक रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड है, वही टर्न टेबल है जिस पर रिकॉर्ड रखी है। अब यहाँ पर जो है ये सोर्स है, ये रिकॉर्डेड सोर्स है। अब ये सोर्स आपका एक मैग्नेटिक टेप भी हो सकता था, एक सीडी भी हो सकती थी, और एक डीवीडी भी हो सकती थी। अब सीडी अगर अगर आपकी मैग्नेटिक टेप होती तो उसके अंदर जो स्टीरियोफोनिक हेड होता उसको प्ले कराने के लिए, और अगर आपका सीडी होता, सीडी होती इसके अंदर, या डीवीडी होती तो लेज़र हेड होता। तो यहाँ पर आपके रिकॉर्ड है, एक टर्न टेबल है जिसमें कि रिकॉर्ड मूव कर रही है, और जो दोनों चैनल हमने लेफ्ट और राइट रिकॉर्ड किए थे उसी हिसाब से इस पे इसका स्टाइलस अलाइन होता है। तो लेफ्ट एंड राइट चैनल यहाँ पे अलग अलग रिप्रोड्यूस होता है। तो ये जो सिग्नल पिकअप करा है इन्होंने स्टीरियोफोनिक हेड से, या लेज़र हेड, या टर्न टेबल के लिए अपने जो कटर इस्तेमाल करा था वही आपने यहाँ इस्तेमाल करा है।
दोनों सिग्नल अलग अलग पिकअप हुए, सिग्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, एम्पलीट्यूड कम है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर लगा दिया, वोल्टेज एम्पलीफायर से इक्वलाइजर लगा दिया, और इक्वलाइजर के बाद हमने पावर एम्पलीफायर लगा दिया, और फिर ये जा रहे हैं आपके लाउड स्पीकर में। यहाँ दो लाउड स्पीकर काम आएंगे मोनोफोनिक के अंदर, तो एक ही लाउड स्पीकर होता है, जबकि यहाँ पे दो लाउड स्पीकर काम आएंगे, लाउड स्पीकर ए और लाउड स्पीकर बी। तो लाउड स्पीकर ए जो है वो चैनल ए हो गया, और लाउड स्पीकर बी क्या हो गया, चैनल बी हो गया। तो इस तरीके से ये आपने देखा आज के लेक्चर के अंदर कि स्टीरियोफोनिक साउंड कैसे रिकॉर्ड की जाती है दो चैनलों के ऊपर, और उन दो चैनलों को वापस कैसे रीजनरेट किया जाता है। तो थैंक्स ए लॉट सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।